खरगोन जिला महेश्वर से 26वें निमाड़ उत्सव का आगाज मां रेवा तट पर हुआ। मां अहिल्या की नगरी में मां रेवा का तट सोमवार की संध्या बेला में सांस्कृतिक अलौकिक छटा से सतरंगी हो उठा। अवसर था 3 दिवसीय 26वें निमाड़ उत्सव के शुभारंभ का। रेवा तट पर काव्य सरिता के बहते ही 3 दिनी इस उत्सव के सागर में श्रोताओं ने डुबकी लगाई। सोमवार शाम 6 बजे 26वें निमाड़ उत्सव का शुभारंभ सांस्कृतिक मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, कलेक्टर गोपाल चंद डार्ड और आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी निदेशक राजेश प्रसाद मिश्रा, SP सुनील कुमार पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया। उत्सव की शुरुआत काव्य निशा से हुई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नर्मदा तट पर 10 नौकाओं का आकर्षक श्रृंगार किया गया। यह देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक नर्मदा घाट पर एकजुट हुए। मंच से कविता तिवारी ने सुरीली आवाज से सबका मन मोह लिया। महेश्वर से विशाल अंबेकर की रिपोर्ट। संरक्षण, संवर्धन, उसका विकास, सभी विचारधाराओं को समान रूप से महत्व मिले, ऐसे प्रयास, ऐसी अपेक्षाएं हम लोगों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और जब से मुझे प्रमाण मिला है मात्र 8.5 महीने हुए हैं, जिसमें 4-4.5 महीने आचार संहिता, लोकसभा चुनाव, झाबुआ का चुनाव, उपचुनाव, उसमें हमारे निकल गए। काम करने के मुश्किल से 4-4.5 महीने हमको मिले, उसमें ही हमने दिखा दिया कि महेश्वर की संस्कृति के साथ साथ, तिवाड़ की संस्कृति के साथ साथ, प्रदेश में जो हमारी बिखरी हुई संस्कृति है, जो हमारा गुलदस्ता प्रदेश है, विभिन्न संस्कृतियां जो वास करती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।